नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे TVS अपाचे RTR 200 4V और यामाहा MT-15 के बारे में। इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो इन दोनों बाइक्स का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको इस कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अपाचे RTR 200 4V और यामाहा की MT-15, मार्केट में इन दोनों बाइक्स के BS6 मॉडल आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। RTR 200 4V का एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,500 और ऑन रोड प्राइस है 1,48,000। MT-15 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,60,000। सो दोस्तों दोनों बाइक्स के प्राइस में 12,000 का डिफरेंस है। 200 4V में थोड़ा बड़ा इंजन है क्योंकि ये बाइक 200cc सेगमेंट की नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और MT-15 में थोड़ा छोटा इंजन है जो एक 150cc सेगमेंट की प्रीमियम नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। सो दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग RTR 200 4V एक ऐसी बाइक है जिसको आप 1.5 लाख के अंदर परचेज कर सकते हो, लेकिन MT-15 का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। RTR 200 4V के अंदर 197.75cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। यामाहा की MT-15 के अंदर 155cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है। दोस्तों दोनों बाइक्स के डिस्प्लेसमेंट में 42.75cc का डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इन दोनों बाइक्स की पावर और टॉर्क आउटपुट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों एक तरफ RTR 200 4V के अंदर ऑयल कूल्ड इंजन है और MT-15 के अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन है। दोनों बाइक्स की पावर और टॉर्क आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो 200 4V के BS6 मॉडल की मैक्सिमम पावर है 20.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 16.8 Nm। MT-15 BS6 की मैक्सिमम पावर है 18.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 Nm। तो दोनों बाइक्स की पावर में 2 PS का डिफरेंस है और टॉर्क में 2.9 Nm का डिफरेंस है। और एक तरफ यामाहा MT-15 के अंदर 6-स्पीड ट्रांसमिशन है, लेकिन 200 4V के अंदर 5-स्पीड ट्रांसमिशन है। सो दोस्तों 200 4V के अंदर अगर 6th गियर होता तो इस बाइक की परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती थी, लेकिन दोनों ही बाइक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। RTR 200 4V की अगर बात करें तो इस बाइक की लो एंड परफॉर्मेंस और मिड एंड परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, और MT-15 की मिड एंड परफॉर्मेंस और टॉप एंड परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। MT-15 की लो एंड परफॉर्मेंस 200 4V से बेटर नहीं है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस में MT-15 200 4V से पीछे नहीं है, क्योंकि दोस्तों MT-15 के अंदर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन है और साथ में असिस्ट एंड स्लीपर क्लच है, जिसकी वजह से इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है। RTR 200 4V के अंदर भी स्लीपर क्लच है, तो अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग 200 4V के अंदर भी काफी अच्छी है। दोस्तों दोनों बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे MT-15 थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है, क्योंकि इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, बिल्ड क्वालिटी और इंजन रिलायबिलिटी 200 4V से बेटर है। दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो MT-15 और 200 4V दोनों ही बाइक्स के अंदर LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। दोनों बाइक्स में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो MT-15 के अंदर 282mm की फ्रंट डिस्क है, 220mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। 200 4V के अंदर 270mm की फ्रंट डिस्क है, 240mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों MT-15 की फ्रंट ब्रेकिंग 200 4V से बेटर है, लेकिन 200 4V का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 200 4V MT-15 से थोड़ी सी बेटर है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको 135 km/h की टॉप स्पीड मिल जाएगी। माइलेज की अगर बात करें तो 200 4V में आपको 35-40 KMPL की माइलेज मिल जाएगी और MT-15 की माइलेज है 40-45 KMPL। दोनों बाइक्स के वेट की अगर बात करें तो 200 4V का वेट है 153 kg, MT-15 का वेट है 138 kg। सो दोस्तों MT-15 यहाँ पे 200 4V से लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो भी 200 4V से बेटर है। दोस्तों 200 4V के अंदर क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है, लेकिन MT-15 के अंदर बार टाइप हैंडल बार है, लेकिन दोनों ही बाइक्स काफी कंफर्टेबल हैं। दोनों ही बाइक्स के साथ आप इजीली लॉन्ग राइड कर सकते हो, लेकिन पिलियन सीट के कंफर्ट की अगर बात करें तो MT-15 की पिलियन सीट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन RTR 200 4V की पिलियन सीट काफी अच्छी है। दोनों बाइक्स के टायर्स की अगर बात करें तो MT-15 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/70 सेक्शन का रियर टायर है, 200 4V के अंदर 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 130/70 सेक्शन का रियर टायर है,
तो MT-15 के अंदर थोड़े बड़े टायर हैं, जिसकी वजह से MT-15 की रोड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग 204V से बेटर है। दोस्तों दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो 204V की सीट हाइट है 800 mm, वेट है 153 kg और फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। MT-15 की सीट हाइट है 810 mm, वेट है 138 kg और फ्यूल कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। दोस्तों प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 204V MT-15 से 12,000 रुपए सस्ती है, लेकिन MT-15 के लिए आपको 12,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट कम है तो आप 204V परचेज कर सकते हो। 204V अपनी सेगमेंट के अंदर एक काफी अच्छी बाइक है, जिसके अंदर अभी एडवांस फीचर्स भी आ चुके हैं, लेकिन MT-15 150cc सेगमेंट की एक प्रीमियम नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, जिसके अंदर वाइडर टायर्स हैं और इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी, इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी काफी अच्छी है। साथ में MT-15 का पावर टू वेट रेशियो भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये एक लाइट वेट बाइक है और माइलेज भी आपको MT-15 में 204V से थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी और दोनों ही बाइक्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन दोस्तों 204V की सबसे अच्छी बात ये है कि इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS है और इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम भी है और साथ में इस बाइक की पिलियन सीट MT-15 से बेटर है और प्राइस भी इस बाइक का MT-15 से कम है। सो दोस्तों आपकी जो भी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेज कर सकते हो और आपके हिसाब से इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक अच्छी है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस कंपैरिजन वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।